विकास उपनार। आप लोग तालियों स्वागत करिए विकास जी का, बहुत अच्छे कवि हैं हमारे। बहुत धन्यवाद दादा। भैया माइक वाले थोड़ी आवाज बढ़ा दो, मैं सामने बैठा था तो मुझे ही नहीं सुनाई पड़ रहा था ठीक से, आवाज बढ़ा दीजिए। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे सामने बैठे हुए, आदरणीय गुरुभाग भैया बैठे हुए हैं, तिवारी दादा बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं और शास्त्री जी बैठे हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत कम समय में अपनी बात करूंगा। और प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि जब मैं बात आपकी कहूं तो आपकी भी तालियां समझ में मेरे पास पहुंचनी चाहिए। श्री राम ने हमें क्या उपदेश देने की बात कही, मैं चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूं और सबसे निवेदन करता हूं। अभी तक आप लोग बड़े खामोश बैठे थे, लेकिन ये आपके आंगन का लड़का आपसे निवेदन करेगा कि उसे उतने आशीर्वाद से सुनिएगा जितना उसे आदत है इस पूर्णपुर की जनता की। सुनिएगा कि आप बोले तो व्यवहार से खुशबू आए, आप बोले तो व्यवहार से खुशबू आए, छपे जो नाम तो अखबार से खुशबू आए, और बनना है तो ऐसी कहानी बनना, खुले किताब तो किरदार से खुशबू आए, खुले किताब तो किरदार से खुशबू आए। श्री राम होना आसान थोड़े था, वो भी चाहते तो छोड़ सकते थे, नहीं जाते पिता के अवमानना कर देते। अक्षत भाई बैठे हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं, मेरे सहपाठी हैं, आपसे निवेदन दूंगा आपकी विशेष तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं कि खिलेंगे फूल और कलियां भी महक जाएंगी, फिजा महकेगी वादियां भी महक जाएंगी, बनाए रखना ईमान की महक यारों, जिनसे गुजरोगे वे गलियां भी महक जाएंगी, जिनसे गुजरोगे वे गलियां भी महक जाएंगी। और सुनिएगा, पहली बात तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राम मंदिर बनने की, और आज जो गणतंत्र दिवस है उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सुनेगा राम कौन है, कि रत्नाकर जैसे डाकू को ऋषि बनाने वाले राम, मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा, स्वागत स्वागत, कि रत्नाकर जैसे डाकू को ऋषि बनाने वाले राम, सबरी के झूठे बेरों को मन से खाने वाले राम, बचपन से ही ऋषि मुनि के प्राण बचाने वाले राम, वचन पिता का रखने को वन को जाने वाले राम, प्रदूषण जैसे दुष्टों को सबक सिखाने वाले राम, संदूक जैसे अहंकार का शीश हटाने वाले राम, रावण के मूल वंश का सर्वस्व मिटाने वाले राम, मर्यादा किसको कहते हैं हमें बताने वाले राम। राम नाम पर भी आपकी तालियां कमजोर है कि मर्यादा किसको कहते हैं हमें बताने वाले राम। और चार पंक्तियां सुनिएगा कि न लिखते गीत गीतों के कभी नायक नहीं होते, मैं फिर से आह्वान करता हूं आपकी जागृति का, आप जागिए, अभी तक ये कार्यक्रम बहुत शुद्ध चल रहा। कि न लिखते गीत गीतों के कभी नायक नहीं होते, तेरे नाम की महिमा के हम गायक नहीं होते, कहीं के भी नहीं होते, कहीं के भी नहीं रहते, न होते राम तो हम सब किसी लायक नहीं होते, न होते राम तो हम सब किसी लायक नहीं होते। भैया तुम्हारा माइक बहुत आवाज खींच रहा है, आपको क्या लगता है लोग आपको याद रखते हैं? याद वही रखा जाता है जो इतिहास रचता है। सुनेगा कि अभी जो याद करते हैं अचानक भूल जाएंगे, कोई घटना सुखद थी या भयानक भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम ले लेकर अभी करते हैं तारीफें, कथाएं भूल जाएंगे कथानक भूल जाएंगे, कथाएं भूल जाएंगे कथानक भूल जाएंगे। और अंतिम छंद साथ अपनी स्थान लेता हूं दादा, सुनिएगा स्वागत स्वागत। स्वयं को महकाओ औरों को बांटो सुगंध, हाथ में गुलाब दल इत्र थाम लीजिए, क्या कहते हैं आपसे श्री राम। और इस अंतिम छंद के साथ पूरे पूरे जोश के साथ तालियां देकर मुझे विदा कीजिएगा कि स्वयं को महकाओ औरों को बांटो सुगंध, हाथ में गुलाब दल इत्र थाम लीजिए, कटुता के भाव भूल शत्रुओं को दे दो भूल, हाथ एक दूसरे का मित्र थाम लीजिए,
चाहे एक बार फिर उठता ही नहीं, फिसल न जाइए चरित्र थाम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विकास जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए विकास भैया के लिए। और जैसा अभी विकास जी कह रहे थे कि राम नाम काम का है, अभी विचित्र जी ने भी यही पढ़ा। मैं बताता हूँ कि कैसे काम का है।